पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन का द्वितीय रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रहा है पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन। लगभग 100 यूनिट रक्त हुआ संग्रह। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने सभी रक्तदाताओं का जताया आभार, अतिथियों को दिया धन्यवाद। अब खबर विस्तार से। रविवार को चक्रधरपुर के चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भगवान बिरसा मुंडा के तस्वीर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बहादुर उरांव समेत अन्य अतिथियों ने माला अर्पण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम कर रहा है पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन। इस मौके पर उन्होंने शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम कर रहा है पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष समाज सेवी श्याम सुंदर महतो, चक्रधरपुर अनुमंडल चिकित्सा प्रभारी अंशुमन शर्मा, जिप सदस्य मीना जोको, समाज सेवी सदानंद होता, प्रवीण प्रमाणिकरण महतो, श्रीकांत राव, भाजपा नेता विजय मेलगांडी, विनोद भगेरिया, अनवर खान, जेडीयू का जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा, गिरिराज सेना प्रमुख उमा शंकर गिरी समेत भाजपा नेता पवन शंकर पांडे को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर का संचालन करते हुए पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि रक्तदान का महत्व देखते हुए पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लगातार दूसरी बार शिविर का आयोजन किया है। उन्होंने कहा, हम रक्तदान करने के लिए युवाओं को जागरूक करेंगे ताकि भविष्य में रक्त का कमी ना हो। भविष्य में गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति तथा 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र के आयु रक्तदान कर सकते हैं। शिविर में 12:30 बजे तक 60 लोगों ने अपना रक्तदान कर लोगों का जीवन दान देने में मदद किया। शिविर चाईबासा ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रह किया। आइए अब देखते हैं डॉक्टर विजय सिंह गागराई और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने क्या कुछ कहा। इस कैंपस में पहली बार ये रक्तदान शिविर लगा है, सर क्या कहेंगे? जी, ये कैंपस में पहली बार नए भवन में रक्तदान शिविर लगा है। ये हम लोग का इस भवन का सदुपयोग करने का एक प्रयास है और साथ ही साथ ये सामाजिक स्तर से भी एक प्रयास बहुत अच्छा हुआ पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। इस बिल्डिंग पर ब्लड डोनेशन कैंप के लिए किया जा रहा है, हम इसके लिए तो उनके लिए भी धन्यवाद बोलेंगे। उन्होंने एक प्रयास किया, ये भी आशा करेंगे कि इस जगह का फ़ायदा उठा के, इस मौके का फ़ायदा उठा के लोग अत्यधिक जहाँ तक हो सके रक्तदान करें, ताकि हमारे यहाँ जो बहुत सारे एक्सीडेंट के मरीज होते हैं या जिनको हम रेफर करते हैं यहाँ से सदर अस्पताल, उनकी कम से कम परोक्ष रूप से सेवा हो जाए। तो सर, अनुमंडल अस्पताल पूरा सहयोग करती है ऐसे कार्यक्रमों में जी, और क्या कहेंगे, यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। जी, ब्लड बैंक की स्थापना यहाँ जल्द से जल्द होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से एक ब्लड बैंक की स्थापना जो है रेलवे अस्पताल में की गई है, जो अभी वर्तमान में संचालित नहीं हो पा रहा है कुछ कमियों कारण, लेकिन व्यवस्था में थोड़ा सा गैप है और कुछ दिनों में शायद उसे पूर्ण करके तो रेलवे अस्पताल में शायद इसकी भी कमी दूर हो जाएगी। ब्लड बैंक की जो कमियां बता रहे हैं इसकी भी कमी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखिए, ये अंशुमन सर थे, विजय सिंह गागराई जी, आप लगातार जो है समाज सेवा में लगातार बने हुए हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं इस कार्य को लेकर, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आज आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया? आज चक्रधरपुर अनुमंडल हॉस्पिटल में पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से द्वितीय मेगा रक्तदान शिविर आयोजित की गई है। तो सबसे पहले मैं आज इस अनुमंडल हॉस्पिटल में आए हुए तमाम मेडिकल टीम, रिम्स ब्लड बैंक टीम और चाईबासा ब्लड बैंक टीम का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो भी यहां पे रक्तदान के लिए स्वैच्छिक और निःशुल्क रूप से रक्तदान कर रहे हैं, मैं उन रक्तदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आप रक्तदान करके ना सिर्फ लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं बल्कि आप समाज में एक पुण्य कार्य करने का भागीदार बनते हैं। अभी हमारे बीच में मधुष भद्रदा है, आज इन्होंने भी रिम्स ब्लड बैंक को अपना रक्त प्रदान करके ज़रूरतमंद लोगों का सेवा करना में अपना
सहयोग दे रहे हैं। मैं अपना संस्था की तरफ से मार्कुस पदरदा का स्वागत करता हूं। और चलिए इसके साथ तमाम आज जो भी इस संस्था में मीडिया बंधु आए हैं, मैं आप सबों का भी स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से उन व्यक्तियों तक ये आप संदेश दें, ये खबर दें कि आप आए स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें। रक्तदान करने से ना सिर्फ लोगों का जीवन बचता है बल्कि सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो अपना फायदा होता है। मैं भी अभी थोड़ी देर बाद रक्तदान करने जा रहा हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि अभी मैं आज साल 31वां मैं अपना रक्तदान करूँगा और लोगों का जीवन बचाने का मैं काम करूँगा। चलिए धन्यवाद। तो ये थे पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के